फर्स्ट ऑडिशन राउंड के बाद चुने हुए टॉप 30 कंटेस्टेंट्स आज अपने शहरों से आ चुके हैं मुंबई फाइनल ऑडिशन राउंड के लिए और देश भर से तलाश कर लाए इन टॉप 30 बच्चों को अब तराशने का काम करेंगे हमारे कैप्टन्स। सुपरस्टार सिंगर 2 एक म्यूजिक इंस्टीट्यूट की तरह है जहाँ पे मैं साइशा का एडमिशन कराने आई हूँ और आगे के लिए इसके फ्यूचर के लिए यहाँ से ये बहुत कुछ सीख कर जाएगी। यहाँ पे जो कैप्टन्स है वो पर्सनली आके बच्चों को सिखा रहे हैं गाने की फील और गाने के सुर और प्यारा उसको ऐसे खोलना नहीं है प्यारा कह रहे हो ना तो प्यार से कहोगे उसको ऋतुराज उसको डिक्शन उसके हिंदी वो बहुत अच्छे से होनी चाहिए उस पर ध्यान दिया गया है जो कैप्टन लोगों ने अपने लाइफ में सीखा है वो अभी हमारे बच्चों को वो लोग सिखाएंगे इससे मैं तो बहुत खुश हूँ। समारा जो है वो थोड़ी सी मतलब नर्वस हो जाती है तो मैंने जितना हो सके उसको समझा है कि नर्वस मत होना कॉन्फिडेंट रहना। तुम ये आलाप ले रहे हो ना हाँ। तो कोशिश करो कि थोड़ा सा उसमें विब्राटो आए है ना हाँ। अभी सीखना ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि अभी वो सीखेंगे तो आगे जाके लाइफ में वो जीत पाएंगे। तो शुरू किया जाए एचआर अलका जी। Let's start. Yes, of course. Absolutely. आइए आइए पहले एक कंटेस्टेंट आ जाइए प्लीज। मेरा नाम स्माइरा महाजन है और मैं बटाला पंजाब से हूँ। मेरा जो ऑडिशन था तब मैं थोड़ा नर्वस थी क्योंकि मैं पहली बार इतने बड़े स्टेज पे गई थी। आपकी नजर हेलो समायरा हेलो कैसी हो मैं ठीक हूँ आप कैसे हो मैं ठीक हूँ तुमको जब सर्टिफिकेट मिला था ऑडिशन में पहले उसके बाद क्या किया जब मैं घर गई तो मैंने सबको बताया कि मैं सिलेक्ट हो गई हूँ उन्होंने मुझे विश किया और आशीर्वाद दिए आशीर्वादी तुम खुश बहुत खुश थी उस दिन हाँ जी आज क्या गाने वाली हो किस लिए मैंने प्यार किया किस लिए मैंने प्यार किया बहुत अच्छा गाना है तो तुमको किसने ट्रेन किया बेटा इस गाने के लिए जो गाने वाली हो मैम समायरा को मैंने ट्रेन किया है तुमने किया है जी मैम जो फर्स्ट वर्ड है ना वो देखो लता जी ने कैसे बोला किस लिए मैंने प्यार किया मुझे लगता है कि समारा इस शो की खोज है क्योंकि मैम इसने ना टीवी पे देख देख के सुन सुन के गाना सीखा है एक छोटी सी कमी है उसकी जो है वो जो बैक स्टेज में जितनी कॉन्फिडेंस के साथ गाती है वो ऑन स्टेज आके थोड़ा सा घबरा जाती है इसलिए मैंने प्यार क्या बात तो मैंने सोचा कि कोई स्टेज पे लेके जाते हैं तो मुझे इनवाइट किया था कपिल शर्मा शो में तो मैं उसको वहाँ लेके गई मैं आपको एक झलक दिखाना चाहती हूँ टीवी पे मैं समायरा को द कपिल शर्मा शो पे इसलिए लेकर आई थी क्योंकि मैं चाहती थी कि उसका जो डर है वो चला जाए और जो कॉन्फिडेंस है वो एकदम बढ़ जाए ऑडियंस के सामने एक बार उसको गाने को बोला मैंने ताकि उसको थोड़ा सा डर कम लगे और उस तरह से यूज टू हो जाए ताकि फाइनल ऑडिशन में उसको बिल्कुल प्रॉब्लम ना हो तो इसलिए मैं उसको यहाँ लेके आई अरुणिता दीदी ने मुझे बोला कि जब आप स्टेज पे गाओगे तो आप ऐसा सोचना कि आप घर पे जैसे मम्मा पापा के सामने गाते हो आप घर पे बैठे हो और आप गाना गा रहे हो okay,
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.